अब गाइस देखो, जैसे कि आप लोग बैकग्राउंड में देख ही पा रहे हो, कोई भी गाइस मेरा गोली मिस नहीं हो रहा है। जो भी मैं मार रहा हूँ हेडशॉट ही मार रहा हूँ, एक ही गोली में गाइस मेरा वन टैप हेडशॉट लग जा रहा है। अब वो गाइस कैसे, गाइस देखो मैं ऐसे कुछ ट्रिक अप्लाई कर रहा हूँ जो कि गाइस बाहर के प्लेयर से मैंने सीखा है। बाहर के जो प्रोफेशनल प्लेयर है, ब्राजीलियन प्लेयर है या फिर एकदम प्रोफेशनल पीसी प्लेयर है ना, वो गाइस आप लोग गेम प्ले दिखा के छोड़ देते हैं। बट आप लोग टेंशन मत लो, मैं उनका सीक्रेट आज इस वीडियो में रिवील करूंगा। मैं आप लोगों को बताऊंगा वो लोग ऐसे क्या ट्रिक यूज करते हैं जो गाइस मैंने भी यूज किया और मेरा भी गाइस देखो कैसे हेडशॉट लग रहा है, एकदम एबनॉर्मल हेडशॉट लग रहा है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या गाइस आप लोगों को करना है और आप लोगों का भी ऐसे ही हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। बट उससे पहले गाइस प्लीज एक काम कर देना, फटाफट गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। आप लोग आजकल वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे पता नहीं क्यों, गाइस प्लीज लाइक कर देना। और चैनल पे अगर न्यू आ रहे हो, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हो, तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके पास पे जो बेल नोटिफिकेशन बेल है उसे भी गाइस जरूर से आप लोग ऑन कर देना। सो गाइस सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को अपना जो कैरेक्टर है वो गाइस ग्राउंड के साथ एकदम कॉन्टेक्ट में रखना पड़ेगा। मतलब गाइस आप लोगों को अपना कैरेक्टर जो है हवे पे नहीं रहना है, ज्यादातर गाइस एकदम ग्राउंड पे रहेगा। आप लोगों को मूवमेंट नहीं करना है। आप लोग बैकग्राउंड में देखे जो भी गाइस मैं शॉट मार रहा हूं, गाइस मैं हवे पे नहीं मार रहा हूं, मतलब एकदम गाइस देखो मैं मूवमेंट भी ज्यादा नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा हूं, एकदम मतलब अपने कैरेक्टर को जॉयस्टिक से मतलब हिला रहा हूं, फिर नॉर्मली वन टैप दे दे रहा हूं। बहुत बंदे क्या करते हो, जैसे कि गाइस देखो मैं बैकग्राउंड में दिखा रहा हूं ऐसे कूद कूद के मारने का ट्राई करते हो, ऐसा गाइस आप लोगों को नहीं करना है। आप लोगों एकदम ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट रहना है, एकदम ग्राउंड पे खड़े रह के ज्यादा मूवमेंट कुछ मत करना। और इसके बाद का स्टेप मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताता हूं। बट सबसे पहला जो काम है वो है आप लोग कूद कूद के ऐसे कभी भी फायर नहीं करना है, एकदम गाइस सीधा खड़े रहना, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट रहना, जमीन पे खड़े रहना, फिर गाइस आप लोग फायर करना। और इसके बाद ही गाइस आप लोगों को अपना जो स्विचिंग प्रैक्टिस है वो गाइस अच्छी तरीके से करना है। आप गाइस देखो ये ब्राजील के प्लेयर भी करते हैं, हमारे इंडियन सर्वर के पीसी प्लेयर भी करते हैं, सभी के सभी करते हैं। और आप लोग बैकग्राउंड में भी नोटिस करो, जो भी मैं शॉट मार रहा हूं ज्यादातर मैं स्विचिंग करके ही मार रहा हूं, और स्विचिंग में काफी ज्यादा आपका एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाता है यार। आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोगों को दो गन लेना है और एक गन से गाइस आप लोग फायर करो, अगर आप लोग का नहीं लगा तो फटाफट आप लोग गन स्विच करके दूसरे गन से फायर करो, मतलब स्विच करते हुए गाइस आप लोगों को वन टाइम हेडशॉट देने का ट्राई करना है। इससे गाइस आपका एक्यूरेसी काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। आप लोग खुद ब खुद नोटिस करो, जो भी शॉट मार रहा है मैं स्विचिंग करके ही मार रहा हूं, और बाकी के सभी प्लेयर ज्यादातर पीसी प्लेयर तो ये स्विचिंग करते ही करते हैं, और कोई ऐसे ही थोड़ी ना करेगा यार, रिजल्ट इसमें मिलते हैं इसलिए तो करता है ना। तो गाइस देखो स्विचिंग मोबाइल में करना पहले पहले आप लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, अगर आप लोग थ्री फिंगर प्लेयर हो तब तो गाइस इजी है, बट अगर आप लोग थ्री फिंगर प्लेयर नहीं हो तब थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बट कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है गाइस, आप लोग धीरे धीरे सीख जाओगे। तो गाइस आप लोग ट्रेनिंग में जाओ, प्रैक्टिस करो, आप लोग सीख जाओगे। तो पहला मैंने आप लोगों को बोल दिया, आप लोगों को एकदम जमीन पे रहना है, मतलब कैरेक्टर को ऊपर नहीं रखना है, जमीन पे रहकर फायर करना है। फिर गाइस आप लोगों को कैसे मतलब स्विचिंग करके मारना है वो गाइस मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं आपको कैसे ड्रैग करना है। अब गाइस देखो अगर आप लोग बहुत ही ज्यादा पुराने प्लेयर हो गए तो गाइस आपको पता ही होगा भाई, रोटेशन ड्रैग यूज करना चाहिए, मतलब अपने फायर बटन को नीचे लाके ऊपर करना चाहिए। बट अभी के टाइम में अगर आप लोग स्ट्रेट ड्रैग करोगे ना तो ज्यादातर गाइस आप लोगों का जो शॉट है वो कनेक्ट होगा हेड पे। जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हो गाइस, जब भी मैं फायर कर रहा हूँ कोई भी रोटेशन ड्रैग का यूज नहीं कर रहा हूँ, एकदम पूरा फायर बटन को ऊपर कर दे रहा हूँ, बस मेरा हेडशॉट लग जा रहा है। और अगर बंदा राइट साइड पे भाग रहा है तो मैं अपना फायर बटन को राइट साइड पे करके ड्रैग करता हूँ, अगर बंदा लेफ्ट साइड पे भाग रहा है तो मैं अपना फायर बटन लेफ्ट साइड ऊपर ड्रैग कर देता हूँ, बस गाइस कोई भी रोटेशन ड्रैग कुछ नहीं कर रहा हूँ और मेरा परफेक्टली हेडशॉट लग रहा है। तो गाइस आप लोग भी अभी रोटेशन ड्रैग यूज मत करो, रोटेशन ड्रैग से हेडशॉट लग जाता है बट ठीक है, बट स्ट्रेट ड्रैग से अभी के टाइम में ज्यादा हेडशॉट लग रहा है। तो गाइस आप लोग स्ट्रेट ड्रैग का यूज करो ना, सिंपली फायर बटन को ऊपर कर दो, बस और कुछ नहीं है। और अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ आपके लिए बेस्ट फायर बटन साइज कौन सा होगा। देखो गाइस आप लोगों को बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर मिल जाएंगे जो आप लोगों बोलेंगे 45 रख लो, कोई बोलेगा 50 रख लो, कोई बोलेगा 60 रख लो। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपके लिए परफेक्ट कौन सा होगा फायर बटन साइज। सिंपली गाइस आप लोग अपना फोन लो, फोन लेने के बाद आपका जो थंब है ना वो गाइस आप लोग अपने फायर बटन के ऊपर रखो, फिर गाइस देखो आपका जो थंब का साइज है उसी हिसाब से गाइस आप लोग अपना फायर बटन रखो कि एकदम सेम सेम हो। मान लो कि आप लोग अपने फोन के ऊपर अपना थंब रखे और फायर बटन का साइज 50 हुआ और 50 के अंदर पूरा आपका जो थंब है वो अच्छे से सेट हो गया, तो गाइस आप लोगों को थोड़ा सा कम कर देना, मतलब आप लोगों को 3-4% थोड़ा सा कम कर देना है। इससे क्या होगा आपका जो थंब के हिसाब से थोड़ा सा अपना जो फायर बटन वो थोड़ा कम होगा, तो इसकी वजह से जो ड्रैग जब भी आप लोग करोगे ना जो अच्छा खासा हेडशॉट लग जाएंगे। और आप लोगों को थोड़ा अपना फायर बटन को नीचे रखना, ठीक है, थोड़ा नीचे की साइड रखना, क्योंकि गाइस देखो जब भी आप लोग ड्रैग करोगे तब गाइस आप लोग का हेडशॉट लग जाएगा। और इसके अलावा भी गाइस देखो गरीना वाले खुद हम लोग को दो ऐसे कैरेक्टर देते हैं जिस कैरेक्टर को यूज करने से हम लोग का जो कैरेक्टर का एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। सबसे पहले गाइस आप लोग को दशा यूज करना है, फिर गाइस आप लोग को डीवी यूज करना है। ये दो कैरेक्टर आप लोग यूज कर सकते हो, आप लोग का एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। अगर आप लोग का एक्यूरेसी कम है तो हेडशॉट मारने में प्रॉब्लम हो रहा है तो ये दो कैरेक्टर बेझिझक यूज करो आप लोग, और बस गाइस और कुछ नहीं है,
यही गाइस ब्राजील के प्लेयर फॉलो करते हैं, हमारे जो इंडियन पीसी प्लेयर है एकदम तगड़े लेवल के वो भी फॉलो करते हैं। और हाँ गाइस देखो और एक भी है कि यूएमपी से कैसे गाइस आप लोगों को ओनली रेड नंबर्स मारना है। अगर आप लोगों को उस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कि यूएमपी से ओनली रेड नंबर्स कैसे मारना है तो गाइस आप लोग वीडियो पे हैशटैग यूएमपी लिख दो, मैं समझ जाऊंगा। तो गाइस देखो जो नेक्स्ट वीडियो होगा ना मैं आप लोगों को वो ट्रिक बता दूंगा कि कैसे गाइस आप लोग यूएमपी से बाहर के प्लेयर जैसा या फिर पीसी प्लेयर जैसा ओनली रेड नंबर्स कैसे मार सकते हो। तो मैं फटाफट वीडियो ला दूंगा, तो कमेंट में हैशटैग यूएमपी लिख देना। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो गाइस प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस वो भी कर देना, अपने हर एक दोस्त के साथ प्लीज शेयर कर देना वीडियो को जिसको भी हेडशॉट नहीं मारना आता तो, और अपने हर एक नूब दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना जिसको भी गाइस प्रो बनना है उसके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। मुझे पता है आपके टीममेट्स नूब है, मेरे टीममेट्स भी नूब है, तो सबके साथ शेयर कर देना यार। जोक्स अपार्ट गाइस और सीएस चाहिए गाइस, अगर आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देखो, या फिर गाइस अगर आप लोग हेडशॉट मारने में प्रॉब्लम हो रहा है फोन के लिए कुछ ऐसे सेटिंग चाहिए जो गाइस अगर आप लोग यूज करोगे तो गाइस आप लोगों का हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाएगा। उस टॉपिक पे गाइस अगर आप लोग वीडियो चाहिए तो गाइस आप लोग फटाफट राइट वाली वीडियो देख सकते हो। सो गाइस चलो टाटा बाय बाय पीस।